जिनकी वाइफ और बेटी दोनों को इनको मारा गया और ये खत्म, कहानी खत्म। एक राजा एक रानी दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन नहीं, यहाँ राजा रानी नहीं, राजा और विलन की कहानी। अब विलन अभी जिंदा है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और हम लोग यहां पर लेकर आए एक नई गेम जो जिसका नाम है प्रोटोटाइप 2। इसका ऑलरेडी एक वर्जन रिलीज हो चुका था, लेकिन प्रोटोटाइप 2 पहले से बेहतर है ग्राफिक्स गेम प्ले के हिसाब से, तो हमने वहीं पे शुरू किया है। स्टोरी है यहाँ पर कुछ, एक वायरस आ जाता है शहर के अंदर और उस वायरस के कारण गड़बड़ ये होती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है जब वो लौटता है तो उसे पता लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, उसकी वाइफ उसकी बेटी दोनों खत्म हो चुकी होती हैं। हेलर नाम है हमारे कैरेक्टर का, जेम्स हेलर, देख सकते हैं कि वो ईरान इराक से लौटता है। उसके बाद की स्टोरी, मैं अभी के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, हम लोग अपनी मेन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मजबूरी में उसे ज्वाइन करना पड़ता है NYZ कॉरपोरेशन, देख सकते हैं यहाँ पे जेम्स हेलर यहाँ पे लौटते हुए इराक से 2009 में। लेकिन जब वो आते हैं तो पता लगता है कि भाई उनकी वाइफ का एंड हो चुका है, वाइफ की डेथ हो चुकी है और डॉटर का भी अंत, मतलब डेथ हो चुकी है। और उन्हें पता लगता है कि उसे मारने वाला जो है वो मर्सर वायरस है। अब ये मर्सर कौन है क्या है वो अभी स्टोरी में देखने वाले हैं। लेकिन जब एलेक्स को गुस्सा आता है कि यार, जेम्स को गुस्सा आता है कि क्या हो रहा है ये, और वो रिपोर्ट पढ़ता है कि एलेक्स मर्सर है, वो अब इंसानियत में विश्वास नहीं रखता और सबको ख़त्म कर रहा है, वायरस फैला रहा है, तो वो जैसा मैंने बताया ज्वाइन करता है NYZ कॉरपोरेशन और मिशन पे भेजा जाता है उनको। और यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। और जो आप कैरेक्टर देख रहे हैं जेम्स हेलर, वो हैं हम इस वक्त। आगे किस्से की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आ चुका है यहाँ पर, इस एरिया में उन्हें भेजा गया है सर्वेलेंस के लिए या जो भी है। फ़ोन से कनेक्टेड है एक इंसान और वायरस फैल चुका है। हमारे रियल लाइफ में भाई सब कुछ लॉकडाउन हो जाता है जब असली वायरस होता है, लेकिन गेम में सिनेरियो बदल जाता है। अब देखते हैं कितना बदलता है। यहाँ पर सोल्जर बात कर रहे हैं कि यार ये ब्लैक लाइट वायरस जो है बहुत अजीब है, यहाँ आना मतलब जिंदगी गंवाना है, और हम तो उन्हीं के मेन एरिया में हैं, हमारे बचने के चांसेस क्या होंगे कोई नहीं जानता। कोई अचानक से चीज फेंकी गई है और अंधेरा अंधेरा हो चुका है यहाँ। ओ भाई ओ ये क्या हालत हो गई यार, ये है गेम के वायरस का इफेक्ट। हमारे यहाँ इंसान खत्म हो जाता है, यहाँ पर भाई सुपर पावर्स आ चुकी है पक्षियों में चीजों में। हाँ लेकिन रुक, लुक पूरा बदल गया है, अजीब से लगने लगे सब। जेम्स यहाँ पे तैयार होते हुए देख रहे हैं कि यार इनके सारे साथी तो मर चुके हैं, अब क्या करेंगे ये। लेकिन चलिए एक जन कनेक्ट, ये अजीब सा ही था क्या इतना बड़ा, और ऐसा लगा जैसे अंडा हो, बहुत बड़े राक्षस का अंडा नहीं घोंसला। यहाँ पे यहाँ पे बार बार पूछ रहे हैं यहाँ पे। This is Ninja 33. Copy 33. What's your squad status? से पूछा गया है कि क्या हाल है वहाँ के। अब क्या बताएं भाई, जो देख रहे हैं वो हाल का यकीन नहीं हो रहा कि क्या है, उसे कैसे एक्सप्लेन करें। और ये आते हुए एलेक्स मर्सर यही है जिनका बताया गया है कि इनकी वाइफ को जो मारा गया इन्हीं के वायरस के कारण मारा गया है। और कहां से आया इंसान, किस तरह से आया है, वो जबरदस्त है। हल्क जैसी एंट्री की है, पूरी पावर्स देखते हैं क्या क्या है इनके पास। ओ भाई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जबरदस्त, पूरी की पूरी टैंक को उठा के फेंक दिया है। ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पर्स मर्सर उसके साथ लड़ना मत, एलेक्स मर्सर से। लेकिन हेलर क्या जो है पर्सनली दुश्मनी है, इनकी वाइफ और बेटी दोनों को इनको मारा गया। और ये खत्म, कहानी खत्म। एक राजा एक रानी दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन नहीं, यहाँ राजा रानी नहीं, राजा और विलन की कहानी। अब विलन अभी जिंदा है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पहली बार सामना होता हुआ एलेक्स और जेम्स का, हाँ लेकिन ज्यादा भाव नहीं दिया एलेक्स ने। लेकिन जेम्स को कुछ दिखने वाला है, ये पुरानी भावनाओं को। अरे रे बेटी का फोटो है, एनर्जी आ जाएगी भाई किसी भी बाप में। और ये देख, ये मारा दो, ये मारा तीन, लेकिन एक ही वार काफी होता है।
100 बार भेड़िए के और 1 बार शेर का, कुत्तों के 100 बार कुत्तों के और 1 बार शेर का, हाल फिलहाल ये हालत हो गई है। पूछ रहे भाई और क्या है तेरे पास, ट्राई कर ले तेरे पास जो जो। भाई जेम्स तो तैयार है लेकिन अभी जेम्स देखते हैं क्या कर पाता है, हाल फिलहाल तो पीछे जा रहा है उसको मारने। हाँ भाग रहे हैं एलेक्स, क्यों ऐसा भाई? शेर क्यों भागेगा उसको? नहीं अब आप कुत्ता, मैं नहीं कह रहा है, कमजोर इंसान से। ओ भाई ये क्या थे, कौवे थे, चील थे, क्या हालत हो गई है, सब वैनम जैसे बन गए। बहुत बढ़िया, वो कह रहा है कि भाई जेम्स कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या लगता है एलेक्स, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा भाई, तुम्हारे एरिया में घुस के मार रहा हूँ मैं, कुत्ता तो नहीं हूँ ये तो कन्फर्म है। और सही बात है भाई, ये भी शेर ही है, आर्मी वाला एटीट्यूड है, इराक में ऑलरेडी करके आया है काम। वो देखो एलेक्स को, ओए एक बंदे को हेल्प चाहिए यहाँ पे, अब पता नहीं मैं क्या करूँ। ओ ये क्या बला है, ये क्या बला है, ये भाई साहब टुकड़े टुकड़े कर दिए, तेरी बोटी बोटी खा जाऊंगा ये वाली। और ऊपर तो देखो ये क्या बला है भाई साहब, ओहो पूरा शहर जल रहा है, ये करता है हालत वायरस, देख लो गेम में भाई एक इंसान को फायदा बाकी 100 को नुकसान। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ चुका है, देर आया दुरुस्त आया, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ओए ब्लैक वॉच ट्रेजरी, ये मेरे पे क्यों अटैक कर रहा है? और ये एलेक्स एंटी पॉटिव फ्लैश भाई साहब, हवा में स्पीड के साथ खत्म। अरे रे ये क्या हो रहा है, ओए बचा मैं भी बचा, मैं भी बचा, वरना भाई मैं अभी एलेक्स नहीं हूँ, एलेक्स इतना पावरफुल कि मैं ये कर पाऊंगा काम। बोला भाई अब हो गया बहुत दौड़ भाग, चला जा फिर जाते हैं दूसरे से। लेकिन एलर ने बोला पीछे देख अपने, वो तेरी से कौन लड़ेगा, और लड़ेगा तो लड़ेगा, कौन जीतेगा इससे। भागो भैया भागो, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। ओए होए 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 होए, ये पूरी जमीन धरती सब कुछ घसीट घसीट के ला रहा है, ये कहते हैं अपने पावर को कितना बड़ा, कितना भयंकर यार, कैसे खत्म होगा। मान लो अगर ये विलन हुआ तो कैसे मारेंगे और कहाँ कहाँ मारना पड़ेगा, कितना मारना पड़ेगा, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये इसको नहीं तोड़ पा, ये थोड़ा कॉमेडी हो गया भाई। सही कहा भाई हेलर, कह रहा है कि भाई वायरस ऐसा कैसे बना सकता है किसको, और अगर इसको बना दिया तो ये रहा कैसा होगा पहले। और नहीं यार रो तेरी, ये कहाँ इसके एक सोल्जर को तो मार चुका है, लेकिन मैं नहीं मानने दूंगा तुझे मेरे को, ये ले शांति हुई भाई साहब, बहुत इसने तंग किया मुझे, चल निकल ले भाई अब तुम। कुत्ता बोला लेकिन कुत्ता नहीं भाई, ये बहुत भयंकर है कुछ। अब क्या होने वाला है, नजर होगी, और एलेक्स आ गया वापस, बहुत भाग दौड़ मचाई। और यार हेलर भी, जेम्स हेलर भी कमजोर नहीं लग रहा है यार, इतनी इतना लड़ने के बाद भी फिर लड़ रहे हैं। ओ ये क्या है भाई, वैनो में क्या है, ये कितने पावरफुल इंसान है, क्या क्या है इसमें पावर, और यही रीजन है ये गेम खेलने का मेरा, इसमें आप सब कुछ बन सकते हो, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, स्पाइडरमैन सब कुछ बनेंगे। और ये क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है क्या इसको, ओए अपने जैसा बना दिया क्या, या मार दिया क्या, किया समझ नहीं आ रहा, लेकिन एलेक्स ने कुछ तो किया है। और हेलीकॉप्टर भी आ गई है लेने हमको शायद, ओए ओए ये तो वायरस डाल दिया मेरे में एलेक्स वायरस, जिससे इसकी वाइफ और बच्ची मरी थी, और देख सकते हैं कि इसको अपने बच्चे और बच्ची और वाइफ याद आ रहे हैं जेम्स को। जब उनकी लास्ट देखी थी, वो कहते हैं ना कि इंसान मरने वाला होता है सारी जिंदगी उसके आंखों के सामने आ जाती है, हाल फिलहाल ये ही हो रहा है जेम्स के सामने। और ये देखो दोनों की आखिरी जो निशानी थी उनकी कब्र, वो देख के आंखें बंद हो रही है, खुल रही है, समझ नहीं आ रहा, टक 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 तो हो रहा है, मतलब जिंदा, ये कहाँ से आ गया है, डॉक्टर जैसा कौन से बला है भाई, डॉक्टर जयकाल है क्या ये, और ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे साथ ही, हाँ मेरे साथ कर रहे हैं, तभी मैं इस तरह से देख पा रहा हूँ। और ये बाप रे खून पे खून उछल रहा है। ये सब कौन है भाई,
His system is flooded with the virus, which is why you're going to run these experiments, Doctor. And if you don't like the results, Doctor Coining है ये. और रुक्स जो है वो बोल रहा है कि भाई इस तरह के वायरस से कोई बच ही नहीं सकता. तो भाई ये बच गया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए भेज रहा हूँ. लेकिन डॉक्टर को कह रहे हैं कि जला दो इसको, क्योंकि अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मुश्किल हो जाएगा. अभी के लिए प्रॉपर्टी बोला है कि हमारी प्रॉपर्टी है हीलर, और हम चाहते हैं जो आर्मी वाले, उन्होंने कहा कि इसे ख़त्म करो भाई, बहुत इसको ज़िंदा रखा है. ये है वायरस से सर्वाइव होने वाले लगभग ना के बराबर, शायद एलेक्स मर्सर था जो सर्वाइव हुआ था, और अब जेम्स हेलर सर्वाइव होते हुए स्टोरी वापस से गेम में आती हुई. और ये देखो भाई, मेरे भी शरीर पे वो वेनम जैसा, जो वेनम में ब्लैक होता है, मेरे में रेड रेड पूरी तरह से फैल चुका है. और ये कौन आ रहे हैं? ओए ये सब इन्फेक्टेड लोग हैं, इनके बीच में मुझे डाल दिया गया है. कहाँ से बचूंगा यार मैं? मुझे नहीं लगता बच पाऊंगा. ये कैसे आ रहा है? लंगर लुल्ला, लंगर लुल्ला खाएगा पंच. ये ले वापस जा. ये एक चार कदम दौड़ गया, एक किक में पीछे गया है. ये आया सुपर ह्यूमन पंच भाई, सुपरमैन बन गया मैं. मैं कह रहा हूँ भाई मुझे निकलने दो यहाँ पे. डॉक्टर चाहते हैं कि मैं और एक्सपेरिमेंट मेरे पे हो, वो डॉक्टर को और जानने को मिले. और जो मिलिट्री वाले हैं वो कह रहे हैं भाई खत्म करो इसको, सारे दरवाजे खोल दो, जितने वायरस वाले हैं सबको आने दो और इसे खत्म करो. अब मेरे पास सुपर पावर्स तो आ चुकी है, देख सकते हैं, डिफीट द इन्फेक्टेड. जितने इन्फेक्टेड लोग हैं उन सबको मुझे मारना है. जो यानी अगर बच गया एक भी तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा. और अभी तक हाल फिलहाल तो कोई मुझे ज़्यादा टच भी नहीं कर पाया है, इन तक की मैंने अकेले ही वही हुए एक दो टच हुआ है. ये थोड़ा बहुत हम लोग ये दरवाजा बंद है, वरना मैं फिर क्या करता, वो तबाही मचा देता. और तबाही मचा दी है, लेकिन कुछ निगाह से वो जो बैरल्स रखे हैं वो दग गए. देख रहे हो आप, आग वाले बैरल्स हैं वो दग चुके हैं, और इसी के कारण मैं पूरी तरह से घायल हो चुका हूँ. और अब मुझे आखिरी बार ख़त्म करने के लिए, यानी जेम्स हेलर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है लोगों को, कि भाई देख के आओ ख़त्म हुआ है कि नहीं बंदा. ओ भाई मरा तो बहुत बुरी तरह से हूँ. वो साइबर्ग आया था, साइबर्ग जैसी लीग में देखा तो वैसी हालत लग रही है. हाँ वो कह रहे हैं भाई मार के देख लो, जिंदा तो नहीं है, जिंदा हो तो और ख़त्म कर दो. हाँ भाई ख़त्म तो हो गया है मैं पूरी तरह से यहाँ पे हमारा जेम्स, लेकिन कोई पावर आई है. और ये क्या कर रहा है? ओह सुपर शॉक स्लैम. ओह भाई ओह ओह ये क्या रिकवरी कर रहा है? ये ठीक हो गया मैं, जबरदस्त यार. ये क्या सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, क्या मैं सबको कर सकता हूँ क्या ऐसा? ओ उठा के ओ इसकी एनिमेशन देखो यार, क्या वैनम से भी जबरदस्त यार. अभी तो मैं सही ढंग से देखा नहीं, मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ. ओए होए 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 दो दो ऑप्शन आते हैं मेरे पास. ये देखो इसको मैं चाहूँ तो फेंक भी सकता हूँ, या तो फिर ख़त्म भी कर सकता हूँ इन लोगों को. बहुत जबरदस्त एक्शन, यही है यार. गेम खेल रहे हैं तो कुछ ऐसा करते हैं जो हम लोग रियल लाइफ में नहीं कर पाते हैं. ओ अबे भाई ये कैसे मर गया मैं? अभी ये नहीं सोचा था मैंने कि गेम में ये हिस्सा में होगा, पहले ही लेवल में मैं मर जाऊंगा. फिर से वही चीज़ें होने वाली हैं, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं जहाँ से शुरू होता है. पिछली बार इतना ज़्यादा मैंने पावर यूज़ किया, इतना ज़्यादा पावर यूज़ किया, कहते हैं ना कि घमंड हो जाता है भाई, वो ऐसा हो गया मेरे को, अंदर मारा गया मैं. एक आध को कंज्यूम करना पड़ेगा, मेरी हेल्थ नहीं बची है ज़्यादा. हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ये गए सुपर किक है, बहुत ज़बरदस्त, मानना पड़ेगा. एक आध को और कंज्यूम करता हूँ मैं, इसको कंज्यूम कहते हैं. ऐसे पकड़ो एक को और उसकी ताकत अपने में ले लो. ये देख एक आध और को करते हैं हम लोग. आ जा भाई तू आ जा, कमज़ोर है नहीं पर ठीक है, कुछ ना होने से अच्छा है कि जो है उन्हीं को यूज करे. भाई आँख से दूर होगी भाई, वह मर चुके हैं हम लोग. बहुत सही सुपर किक का परफेक्ट यूज़ करता है ये बंदा जेम्स हेलर. और हेलर भी है हमारा कैरेक्टर, अब वो पता नहीं दुश्मन है क्या है, ये तो चल रहे हैं सब. ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, मुझे लगा इस बार भी वो हुआ क्या, मर गए क्या? हेलर काफ़ी गुस्से में बोल रहा है तुझे, तुम सबका मैं बदला लूँगा. गेट पा गया अपना,
चलिए भाई उठाओ अपना टेबल। अच्छा वो तुम्हारी, रुको मैं ये लो, भागो भागो भागो, आ रहा हूँ मैं। ये आया मेरा हेलर सीधा, ओए मिस कर गया, पीछे आ वापस। है तो जबरदस्त पावर, ये एंट्री पड़ी मेरी भाई, निकल चुका हूँ लैब में से बाहर ऑलमोस्ट। अब मुझे नहीं लगता ये लोग रोक पाएंगे, इन्फेक्टेड नहीं रोक पाए तो आम इंसान क्या रोकेंगे। ओए हेलीकॉप्टर गन वन और कैनन वैनन भी लगी हुई है, और आर्मी के बंदे हमारे पीछे इस वक्त, हेलर के पीछे। ये कौन आया, ये क्या है, अच्छा कोई आया हेल्प करने, मर्सर आया एलेक्स मर्सर। हाँ भाई सही का क्या कर दिया इसको, वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें मर्सर वायरस दिया है, यही कहते हैं ना वो लोग तुमको। And the same Black Watch here to save New York. Wake up. कह रहा है कि भाई ये जो Black Watch का जो ड्रामा है ना ये सब नाटक है। Bioweapons test designed by Gentech, controlled by Black Watch. ये जो Gentech है जिसको Black Watch control करता है वही सब चीजें करता है, टेस्ट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वायरस बनाता है, जैसा कि चाइना, कई लोग कह रहे हैं कि चाइना ने बनाया है कोरोना वायरस। ये देखो मैं सच्चाई आ रही है सामने भाई, जो उनका काम करने वाला है उसके शरीर का पता नहीं क्या, उसकी मेमोरी ले ली क्या क्या समझ नहीं आया, लेकिन अपने अंदर ले लिया। अभी कहानी दिख रही है, सच दिख रहा है, कह रहे कि मर्सर तकलीफ कर देगा। 1964 में किया था वो भाई, काफी गुस्से में है बंदा, और शायद इसी ने सारा आरोप एलेक्स मर्सर पे डाल दिया। What the hell was that? Every living thing you consume makes you stronger. सही है। Take their shapes, then you take their memories. जो बंदों को हम लोग कंज्यूम करते हैं उनका रूप भी ले सकते हैं हम लोग, और साथ ही साथ उनकी मेमोरी भी आ जाती है हमारे में। I've seen your weird virus shit, but I haven't seen nothing. हेलो कह रहा भाई मैंने सुना था तेरे बारे में, लेकिन अब जो हो रहा है तो मुझे मालूम पड़ रहा है, अभी तक मुझे सब सपना लग रहा था, सब गप्पा लग रहा था। They put you in a cage with 50 starving infected, and then they tried to burn you alive. कह रहा कि मर्सर अगर वो तुम्हें, अगर तुम वहीं रहते हैं उन्हीं के साथ रहते तो वो तुम्हें 50 infected लोगों के साथ भेज देते और जला के मार डालते। मर्सर ने बहुत सही एक बहुत बड़ा बात कही है कि तुम्हारी वाइफ और बेटी को मैंने नहीं मारा है, ना ही वायरस है मेरे वाले। Black Watch and Gentech and their virus. मर्सर ने क्लियर कर दिया अपना अप्रोच कि भाई मैं ब्लैक वेच और जेंटेक का जो है वो पूरे खत्म करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ उनके वायरस को भी। वायरस मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्टेड क्रीचर्स, यू नीड दैट डीएनए। जेंटेक के पास कोई डीएनए है, आई विल फाइंड यू, वो लाने को कहा है। पुट सम फकिंग क्लोथ्स ऑन, हम बोला जो ये सब काम बाद में करना, पहले कपड़ा पहन लो थोड़ा, भाई हालत तो देखो। ओ ऑसम 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 ऑसम, जबरदस्त लग रहे हैं भाई जेम्स हेलर। बस यही बात है कि अब इंसान नहीं रहे हैं, कुछ कहते हैं ना कुछ इंसान को मिलता है तो बहुत कुछ खो देता है इंसान, यानी कुछ खोता है कुछ पाता है, अभी हाल फिलहाल यही हाल है जेम्स हेलर के पास। यहाँ पर अब बाहर निकलते हुए, और लॉकडाउन का कोई पालन नहीं कर रहा है इसलिए साथ पुलिस आई है, आर्मी आई है, यानी को टेस्टिंग किया जा रही है कि कोई पॉजिटिव तो नहीं है। क्या होगा आगे, क्या ये स्टोरी में और रोमांचक होगा, मतलब क्या हेलर और मर्सर मिलके कुछ करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल तो मिशन सिर्फ और सिर्फ हेलर का है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं अभी के लिए वीडियो को यहाँ रोक रहा हूँ, पार्ट टू में आएगा आगे का हिस्सा, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।